दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जिले में एक बार फिर समाचार टुडे की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां मोदी नगर शमशान घाट में जर्जर बिल्डिंग की खबर चलने के बाद नगर निगम ने बिल्डिंग को सील कर दिया है। मोदी नगर में स्थित शमशान घाट में एक बिल्डिंग जर्जर हालत में थी, जिसकी खबर समाचार टुडे ने प्रमुखता से दिखाई, जिसका मोदी नगर नगरपालिका ने संज्ञान लिया और मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए जर्जर बिल्डिंग को सील कर दिया। इसी के साथ अब दाह संस्कार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मौजूद हैं मोदी नगर के एक शमशान घाट में। अभी आपको सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही अभी हमने एक खबर दिखाई थी मुरादनगर हादसा होने के बाद के यहाँ पर शमशानों की हालत किस तरह की स्थिति है, क्या यहाँ पर शमशान अच्छी स्थिति में है या नहीं। तो उसमें हमने एक खबर दिखाई थी मोदी नगर यहाँ पर हापुर रोड पर, ये शमशान घाट आप देख रहे हैं, तो इसकी हालत जर्जर थी। इस पे अधिकारी ने संज्ञान लिया है और मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, यह बिल्डिंग पूर्णतः जर्जर है। यहाँ पर दाह संस्कार करना सख्त मना है। यह एक फ्लैक्स बोर्ड लगा दिया गया है और यहाँ से इस बिल्डिंग को चारों तरफ से दाह संस्कार करने के लिए मनाही है। और साथ ही साथ इसके बराबर में ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आइए ये देखिए, ये बराबर में ही एक अस्थायी वैकल्प चुना गया है जो यहाँ पर दाह संस्कार किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे किया जाएगा, कोई भी दाह संस्कार इस पुरानी बिल्डिंग में नहीं किया जाएगा। तो समाचार टुडे ने यह खबर पूरी प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जिसको देखते हुए अधिकारी ने इस पे संज्ञान लिया है और इस तरह का हादसा ना हो जाए जैसा मुरादनगर में हुआ था, उसको देखते हुए पुरानी बिल्डिंग पूरी तरह से सील कर दी गई है और नई बिल्डिंग का काम आप देख ही रहे हैं, वो बराबर निरंतर चल ही रहा है और फिलहाल के लिए यहाँ पर जो ये वैकल्प बनाया गया है ये चल रहा है। समाचार टुडे, जितेंद्र कुमार, मोदी नगर। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मुरादनगर में स्थित एक शमशान घाट का लेंटर गिर गया था, जिसकी चपेट में आने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।